भाई हमारा बैठ गया, भाई कहाँ ले जा रहे हो ऑटो को, बदरपुर जा रहा है क्या? देख लो गाइस, ये महाराष्ट्र का स्टॉल है और यहाँ पर भी पकौड़े वकोड़े लग रहे हैं, पाव भाजी। टेस्ट करना, बता कैसा है, टेस्ट करो, कमल टेस्ट करके बताएगा गाइस कैसा है। बढ़िया है भाई, ये क्या चीज है? हलवा सर। हलवा दोस्तों, नेक्स्ट आइटम कैंडल गोल्डनस। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भैया जी, आज तारीख है 31 दिसंबर 2021 और आप इस ब्लॉग को अगले साल देख रहे हो, अगले साल मतलब 2022 में देख रहे होंगे। आज मैं आया हूँ हुनर हाट, जो कि लगा हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। पीछे देख सकते हैं मेरे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और आज मैं अकेले नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, कमल के साथ। हेलो दोस्तों, तो आज हम दोनों मिल करके एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे हुनर हाट को और आपको भी दिखाने वाले हैं हुनर हाट। यहाँ की टाइमिंग क्या है, टिकट प्राइस क्या है, कैसे आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, बस स्टॉप क्या है, सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने मिलने वाला है। तो फटाफट से इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लो, हम हुनर हाट के मेन एंट्री गेट पे आ गए हैं और चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या देखने को यहाँ पर मिलता है। अच्छा अच्छा, तो सैनिटाइज यहाँ पर लगा हुआ है, सैनिटाइज करना है हमें पहले। देख लो भाई, सैनिटाइजर वगैरह लगा रखा है। जल्दी अभी जल्दी करो भाई साहब, ये फर्स्ट लुक यही है कुछ हुनर हाट का। और मैं तो यही कहूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले साल की तरह लग रहा है। ये जो विश्वकर्मा वाटिका है ना, ये नया लग रहा है। और बाकी छतरी वतरी ये तो पिछले साल भी लगी हुई थी। दोस्तों हुनर हाट के एंट्री गेट पे हैं हम, और सबसे पहले तो ये पीछे देख रहे हैं आप, स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिला है। और उधर की तरफ है विश्वकर्मा वाटिका, जो कि अभी अंदर चलेंगे, थोड़ा दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हो राज, विश्वकर्मा वाटिका, यहाँ चलते हैं पहले। ये देख लो गाइस, मिट्टी के वो बन रहे हैं। मैं तो पिछले साल भी आया था, आज कमल के साथ आए हैं, तो कमल से ही पूछेंगे कि घूम के कैसा लगा कमल को, क्योंकि इसको हाँ फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो देखते रहिएगा, काफी मजेदार होने वाला है। ये पीछे का इस जो भी देख रहे हैं आप, ये सारे कपड़े के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। गाइस मेरे पीछे यहाँ पर हो रहा है स्टेज शो, जैसा कि दोस्तों यहाँ का नाम है हुनर हाट, तो यहाँ पर लोग अपने हुनर को दिखाते हैं और ऐसा कुछ सर्कस हो रहा है आगे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सब लोग अपने चेहरे पे मास्क पहन के बैठिएगा प्लीज। आप सबको प्रणाम, जय हिंद, थैंक यू। तो गाइस अभी जो ये हो रहा था स्टेज शो, ये खत्म हो चुका है। और कमल कैसा लगा स्टेज शो? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा ना।
वैसे भी यहाँ कोई एंट्री चार्ज नहीं लग रहा हाँ। तो ये तो और भी अच्छा है। हाँ, एंट्री चार्ज कुछ है नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छा है यार। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। मिलनी क्या है ना, यहाँ पर लोकल कल्चर को दिखाया गया है। एक अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो खाने की स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं तो आप कुछ खा भी सकते हैं। भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के जो भी लोकल फूड्स हैं उनको दिखाया गया है। और पीछे देखिए मेरे ये एक बैलगाड़ी की वो बना रखी स्टैचू, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब सभी स्टेट के स्टॉल्स वगैरह लगे हैं। ये बिहार का है और ये उत्तर प्रदेश का भेलपुरी, गुजरात का, दिल्ली का, वो देखो दिल्ली का गोलगप्पे, पापड़ी चाट, आलू चाट। ये देख लो गाइस केरला के जो चिप्स वगैरह हैं। पैकेट भैया कैसे पैकेट है? 80 रुपये बनाना चिप्स। अच्छा अच्छा, देख लो गाइस ये महाराष्ट्र का स्टॉल है और यहाँ पर भी पकौड़े वकौड़े लग रहे हैं, पाव भाजी, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। भैया ये क्या चीज़ है? हलवा। हलवा यार ये देख लो गाइस उत्तर प्रदेश वाले स्टॉल पे आ गए। क्या है भैया ये, नाम तो बताओ। दूध देसी घी काजू बादाम की मिठाई है, हब्शी हलवा सोन। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध देसी घी की काजू की मिठाई है, देख लो। टेस्ट कर एक बार कमल, टेस्ट करना बता कैसा है। टेस्ट करो कमल, टेस्ट करके बताएगा गाइस कैसा है। बढ़िया है, देख लो भाई टेस्ट में बढ़िया है। और ये उत्तर प्रदेश का स्टॉल है, ये देखिए। ऐसे सारे स्टेट्स के मतलब नॉर्मली स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, आप आ सकते हो आराम से खा पी सकते हो। पीछे ऑटो लग रहा है, कमल भाई हमारा बैठ गया है। भाई कहाँ ले जा रहे हो ऑटो को? बदरपुर जा रहा है क्या? अभी नहीं जाएगा तो अभी नहीं जा रहा ऑटो। कमल भाई हमारा बैठ गया है, अंदर बैठ के दिखाता हूँ। चलो चलो, ये देखो भाई पहुंचा भाई बदरपुर। देखो ये फोटो वोटो के लिए एकदम मस्त ऑटो लग रहा है और आप फोटो भी ले सकते हो यहाँ से। दोस्तों जो हुनर हाट है वो 23 दिसंबर से लगा हुआ है और ये 5 जनवरी तक रहने वाला है, 5 जनवरी 2022 तक। तो 5 तारीख तक आप यहाँ पर आ सकते हैं और मैं तो यही कहूंगा एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा। अभी पीछे देख रहे हैं गाइस ये सारा मतलब खाने का स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। म्यूजिक वाला कंपार्टमेंट है ना वहाँ पर ज्यादा अच्छा लगा और वहाँ पर सर्कस वगैरह हो रहे थे वो हमें अच्छा लगा ज्यादा। तो गाइस जब भी आप हुनर हाट आते हैं तो हुनर हाट में एंट्री लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। बेसिकली ये जो पीछे देख रहे हैं ये गेट नंबर 2 है और यहीं से आपको एंट्री लेनी होती है। और जो है कि पार्किंग की फैसिलिटी वगैरह भी अंदर मिल जाती है आपको, जो भी चार्जेस होते हैं पार्किंग के वो देने होते हैं। तो बस गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, हम आ गए हैं बाहर। तो कमल कैसा लगा हुनर हाट घूम के? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया लगा ना? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और अगर आपको आना है गाइस तो 5 जनवरी तक ये हुनर हाट लगा हुआ है। तो पीछे देख रहे हैं ये है गेट नंबर 2, यहीं से एंट्री मिलती है। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वो कौन सा है कमल? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का है और जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वो भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का ही है। तो वहाँ से कुछ मिनट की वॉक पे है तो आप आ सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या देखना चाहते हो वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।